पहला मैं ऑल गोवा कन्नड़ा संघ गौरव अध्यक्ष सिद्धन्ना मेटी बोल रहा है। आप लोग ने सही जवाब पूछा, कर्नाटक सीएम से यहाँ पे कर्नाटक बॉन्ड ला रहा है। कर्नाटक बॉन्ड बोले तो कर्नाटक से यहाँ लोग टूरिस्ट लोग आता है, हॉस्पिटल में आता है और गरीब आता है, सब लोगों के लिए वो कर्नाटक जो भवन निर्माण होता है गोवा में, उन लोगों के लिए थोड़ा अच्छा लगता है, उन लोगों को स्पेशलिटी मिलता है। अगर इसका मुद्दा लेके हम लोग किसी इसमें माइंड डाइवर्ट करने से अच्छा नहीं है। ये भारत है, भारत देश का हम लोग पुत्र लोग है, कर्नाटक महाराष्ट्र गोवा भाई भाई लोगों का जैसा है, तो हम लोगों को कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अभी दिल्ली में गोवा सदन है, गोवा निवास है, यात्री निवास है, यहाँ टूरिज्म बहुत आता है कि गोवा विश्व में एक सुंदर राज्य गोवा है। इस सुंदर राज्य को और थोड़ा सुंदर बनाने के लिए यहाँ सभी तरह सभी राज्य का एक एक भवन बन गया, तो उन लोगों को अपना अपना राज्य का कोई पहचान नहीं रहने वाला नहीं आता है, कोई पहचान वाला आता है, सब लोगों को स्पेशलिटी मिलता है। तो गोवा भवन कर्नाटक में बनाए तो क्या प्रॉब्लम है? हम लोग खुद प्रपोजल करेंगे कि गोवा भवन वहाँ कर्नाटक में बनना चाहिए, सीएम को भी बोलेगा हम लोग जगह दे दो बना के दे दो बोलेगा, ये क्या प्रॉब्लम है? हमारा कर्नाटक मुख्यमंत्री तो रेडी होगा। तो हम रिक्वेस्ट करता है, हम कोई इसके बारे में ज़्यादा योजना करके हमको फ़ायदा नहीं है, हम लोगों को गोवा होने दो, महाराष्ट्र होने दो, कर्नाटक होने दो, सभी लोग साथ में रहना है, साथ में हमको 50 साल हो गए, 49 ईयर्स है मैं, 49 ईयर्स हमारा थर्ड जनरेशन है गोवा में, तो मेरे को गोवा वाला मैं नहीं मानता है तो मैं क्या करूँ? गोवा वाला ही है ना मैं भी, या उधर कर्नाटक में गए तो वहाँ पे हमारा रेशन कार्ड नहीं, वोटर कार्ड नहीं बोले तो क्या है? हमारा वोटर कार्ड रेशन कार्ड आधार कार्ड इधर रहे ना, तो ऐसा हम लोगों को कोई गलत नहीं है, हम लोग जो भी है वो अच्छा ही है, हम लोग कोई इसके बारे में ज़्यादा इशू करने की ज़रूरत नहीं। मेटी साहब, आप कर्नाटक का सीएम से मिले, तो कर्नाटक सीएम ने क्या बोला है सर? कर्नाटक सीएम ने बोला हमारा नॉर्थ कर्नाटक वाला गोवा में बहुत लोग है, इसलिए गोवा में क्लीनिंग में स्वच्छता रखने में सभी में रोड बनाने में इसमें उन लोग हमारा हुबली धारवाड़ उत्तर कर्नाटक का लोग ज़्यादा है, उन लोग के लिए हम लोग ने एक भवन कर्नाटक भवन बना के देने का हम लोग आश्वासन देगा और बना के देगा करके मेरे को हम लोग को आश्वासन दिया है। साथ में उन लोग उसने भी सीएम को कन्विंस करके बताया है तो यह एक भवन बना के देना है करके। तो कौन कौन था सर उस मीटिंग में आपके साथ? उस मीटिंग में हमारा कन्नड़ा संघ प्रेसिडेंट था, हम आपका पदाधिकारी लोग था, मैं कन्नड़ा प्रेसिडेंट गौरवाध्यक्ष है और सी टी रवि साहब था और थोड़ा वहाँ का कर्नाटक का लोकल लीडर था, तो ये सब लोग हम लोग सीएम के साथ डिस्कशन किया तो उसने अश्योरेंस दिया कि हमने हद 10 करोड़ दे देगा, पहला इनिशियल स्टेज में हम 10 करोड़ दे देगा, बाकी का और कुछ कम पड़ा तो नेक्स्ट हम देखेगा उसका प्रपोजल, ठीक है बताया है।